के ध्यान सपनों की उड़ान। नमस्कार दोस्तों, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, हमारे देश के लौह पुरुष। दोस्तों, उन्होंने हमारे देश को एक साथ लाने के लिए बहुत मेहनत की, सारे समुदायों को एक साथ लाकर एक अटूट रिश्ते में जोड़ा और एकता और एक साथ रहने का पाठ सिखाया। और बस उनकी इसी खासियत को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे एक स्टैचू तैयार किया गया है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी कुल लंबाई 183 मीटर है। और इस मूर्ति की ऊंचाई के मुकाबले में कोई और मूर्ति इसके आसपास भी नहीं आती, बल्कि ये कहूं कि छू भी नहीं पाती। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए चाइना की लार्सन एंड टर्बो नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी समय सीमा 42 महीने रखी गई और यह मूर्ति समय सीमा के अंदर बनकर तैयार भी हो गई। लेकिन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाने का काम इतना भी आसान नहीं था। इसमें हमारा बहुत सारा पैसा और कई सारे साधन इस्तेमाल किए गए। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए 5,00,000 किलोग्राम स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल हुआ, और वहीं पर सीमेंट की बात करूं तो 2,25,00,000 किलोग्राम के आसपास सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास दर्शकों के लिए 153 मीटर लंबी गैलरी बनाई गई, जिसमें एक साथ 200 विजिटर आ सकते हैं। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह बड़े से बड़े भूकंप के झटके को भी झेल सकती है, और साथ साथ 60 मीटर प्रति सेकंड से चलने वाली तेज हवा भी इस मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपरी हिस्से में 306 मीटर का पैदल पथ तैयार किया गया है, जिसको पूरी तरह से मार्बल से बनाया गया है। और उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी में 4 सुपर स्पीड लिफ्ट लगाई गई हैं, जो कि एक साथ 26 आदमियों को ऊपर लेकर जा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास एक म्यूजियम भी तैयार किया गया है, जहां पर आप हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी से जुड़ी निशानियों को देख सकते हैं। बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का कुल खर्चा आया था 2,989 करोड़ रुपए। प्यारे बच्चों, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें याद दिलाती है एकता, भाईचारे और सद्भावना की। आप सुनते रहिएगा किडियान, सपनों की उड़ान।